से मिली हैं, उनका एक मोटिव है, वो अनन्या के थ्रू मुझे बुलाती हैं, एंड मेन मोटिव है दया जी और दीक्षा का. सो उनका मास्टर माइंड है एंड उन्होंने दिया रिया को ब्रेन वॉश कर दिया है ऑलरेडी, एंड वो यहाँ पे बुलाती हैं, एंड आगे जो होता है वो थोड़ा कुछ अजीब सा ही होता है. तो मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश कर रही हैं, सड्यूस कर रही हैं बेसिकली मुझे. मेरा जो दिल है, दिल एक जगह है, दिमाग दूसरी जगह है जिसे कह सकते हैं, बिकॉज मेरा जो दिमाग है वो रिया अवनी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, एंड जो दिल है वो मॉम और रिया में कन्फ्यूज़ है, बिकॉज मॉम एक जगह खफा है और रिया जो है दूसरी जगह एक बहुत डम सी कैरेक्टर है, उसे मैं मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज शी इज़ मेरी, वो मेरी फियांसे है, तो वो बुरा ना मान जाए. इन सब में मैं फंसा पड़ा हूँ, इसीलिए दो तीन एंगल्स हैं जहाँ पे मैं फंसा पड़ा हूँ. अनन्य को एक पॉइंट में सॉरी बोलता हूँ, बट आफ्टर दिस इंसिडेंट मैं उस पर दोबारा शक करता हूँ कि यार ये क्यों कर रही है ऐसा, कि उसने फ़ोटोज़ क्यों लीक करी है, क्या करना चाहती है, क्या मोटिव है इसका इस रिगार्डिंग. तो मैं उससे खफा हो जाता हूँ, एंड गेट वेरी एंग्री ऑन हर.